बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी के बाहर सोमवार को रिफाइनरी एरिया यूनियन नेटवर्क संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन द्वारा चक्का जाम प्रदर्शन के चलते सोमवार को रिफाइनरी में पहुंचने वाले मजदूरों व अन्य वाहनों को रिफाइनरी के बाहर ही रुकवा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। SDM रोहित कुमार, ASP नितेश आर्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी के आगे विभिन्न संगठनों का अपनी मांगों को लेकर सोमवार को चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह से स्थिति के बिगड़ने की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट रिफाइनरी के सामने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। सरहदी बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी के बाहर सोमवार को रिफाइनरी एरिया यूनियन नेटवर्क संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन द्वारा चक्का जाम प्रदर्शन के चलते सोमवार को रिफाइनरी में पहुंचने वाले मजदूरों एवं अन्य वाहनों को रिफाइनरी के बाहर ही रुकवा दिया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में संगठन के लोगों के विरुद्ध में प्रदर्शन देखते हुए बालोतरा SDM रोहित कुमार, ASP नितेश आर्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। संगठन से जुड़े लोगों ने रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं आसपास के क्षेत्र के विकास की मांग उठाई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कंपनी पर युवाओं का रोजगार व क्षेत्र के विकास की अनदेखी के आरोप लगाए। मुख्य मांगे 6 मांगे हैं। इसमें सर्वप्रथम है हमारे लोकल इलाके के ग्रामीणों को रोजगार चाहिए। जो पिछले 2 साल से हम एक संगठन बनाया, हमने यूनियन बनाई और उसके मार्फत हमने अनेक बार कंपनियों से, SPCL के अधिकारियों से, इनके CEO से मुलाकातें की, लेकिन नतीजा सिफर। जब आती लोकल रोजगार के आदमी की लोकल की रोजगार की बात है तो इनको कहे निकलो तुम तो यहाँ से जाओ, तुम्हारे को नहीं रखेंगे। इस तरीके का व्यवहार है इनका। और हमने अपने प्रशासन में भी SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, SP साहब को समय समय पर अपनी बातें रखी। एक रोड की बात थी और जो कि पचपदरा से और इधर साजियाड़ी और पूरा इलाका गिड़ा, पूरा क्षेत्र, उसके लिए वो नहीं बढ़ पाई है। और ना ही एक सांबरा से लोकल आबादी के लिए जो रोड बालोतरा के लिए लिंक करना था वो भी नहीं हो पाया। रोजगार के तौर पर तो नथिंग है और डेवलपमेंट की बात रहे, हम समय समय पर कलेक्टर साहब से, इनके SPCL हेड और CM साहब तक हमने बात पहुँचाई और DM साहब और अपने स्थानीय विधायक मंत्री जी हरी जी ने मीटिंग भी रखी। यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने कम्युनिटी और लोकल जनप्रतिनिधियों के बारे में पूछा तो यहाँ के जो हेड है उनको पता ही नहीं है कि MLA और सरपंच कौन है। आप CSR और कम्युनिटी के बारे में बात है, इन लोग के एक ही मन में फंडा है कि जमीन हमारे को सरकार में फोकट में दे दी। हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, इलेक्ट्रिक और रोड जो इनके अंदर गई वो भी हमें वापिस नहीं दी। मेरी ग्राम पंचायत से जुड़ने वाली रोड इन्होंने साल भर पहले खोद दी जो PWD की थी, आज दिन तक इन्होंने 10 बार हमारे को वादे दिए। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों और विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रशासन, HPCL एवं संगठन के पदाधिकारियों ने वार्ता का दौर जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान सड़क के जाम हो जाने से वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने से रिफाइनरी क्षेत्र पुलिस छावनी में बदला नजर आया।